हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक है। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे एक बहुत बहुत खूबसूरत दुपट्टा पेंटिंग। आप देखिए ये कितनी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है और ये मैंने शिफॉन के ऊपर किया है। आप कोई भी प्लेन दुपट्टा के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरी इस ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन को पसंद है इस कुर्ती के, तो इसको भी आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। कलर के लिए आप देख सकते हैं, मैं यहाँ फेविक्रिल की पाल मेटालिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी कोई भी लोकल शॉप पे। अभी लॉकडाउन की वजह से सब जगह पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ देखिए, इसके नीचे मैंने एक पेपर रख दिया है, थिक पेपर। ये न्यूज़पेपर नहीं है, आप न्यूज़पेपर मत रखिए। अब यहाँ फ्लावर को बनाने के लिए मैं यहाँ पहले फ्लैट ब्रश से दिखा रही हूँ कैसे फ्लैट ब्रश से अब इस फ्लावर को बना सकते हैं। ये हार्ट शेप की तरह होगा। अब इसके बाद में मैं दिखाऊंगी ज़ीरो नंबर राउंड ब्रश से कैसे ये फ्लावर अब बना सकते हैं। और अगर आपके पास कलर कम है तो आप उस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। अभी मेरे पास क्योंकि ज़्यादा कलर नहीं है तो इसलिए, और कलर बहुत थिक भी हो गई है और मीडियम भी नहीं है कि इसको मैं पतला करूं। अगर आपके पास मीडियम है तो आप मीडियम से कलर को पतला करें, पानी से बिल्कुल पतला मत कीजिए। अगर आपके पास कलर ज़्यादा है तो आप इस टाइप के फ्लावर बना सकते हैं, बट शिफॉन के ऊपर फ्लावर करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। ये प्लेन पेंट करने के टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये बहुत पतला है, इधर उधर कपड़ा हिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप कोई भी क्लिप से इसको अटैच कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने राउंड ब्रश से दिखा रही हूँ कैसे इस फ्लावर को आप राउंड ब्रश से बना सकते हैं। और अगर आपके पास कलर कम है तो पहले हार्ट शेप कर लीजिए ऐसे राउंड ब्रश से। ये थोड़ा कलर तब ज़्यादा ले लीजिए। अब इसके अंदर जब कलर फिल करना है तो कलर थोड़ी सी कलर से अब इसके अंदर को फिल कर लीजिए। देखिए बहुत आसानी से आपको फ्लावर बन जाएगी। बस थोड़ी सी कलर ले लीजिए और इसके अंदर फिल कर दीजिए ऐसे। अब यहाँ भी सेम प्रोसीड्योर से फ्लावर बनाऊंगी। मैं यहाँ राउंड ब्रश से ही फ्लावर बना रही हूँ। यहाँ भी सेम, पहले मैंने चार पांच फ्लावर बनाऊंगी। अगर आप कॉटन के ऊपर इस डिज़ाइन को करते हैं और रेयन के ऊपर भी आप कर सकते हैं तो आपको काम बहुत ज़्यादा आसान होगा। जॉर्जेट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं पाल मेटालिक कलर से। ये कलर थोड़ी सी शाइन है, ग्लिटरी शाइन है इसकी, तो बहुत खूबसूरत होगी दुपट्टा के ऊपर। एक्चुअली दुपट्टा के ऊपर मुझे ये सब कलर ज़्यादा पसंद है, थोड़ी ग्लिटरी शाइन है। और इसके बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे आप पहले आउटलाइन कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, चार पहले ऐसे आउटलाइन कर सकते हैं। आप दूसरे कलर से इसके अंदर फील कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप ब्लैक से आउटलाइन करते हैं तो और उसके अंदर लेमन येलो कलर से फील करते हैं तो बहुत खूबसूरत होगा। बट मेरा ये दुपट्टा और ज़्यादा डार्क ये कलर होता है इसका, तो मैं इसके ऊपर गोल्ड पार्ल मेटालिक गोल्ड कलर यूज़ करती। बट मैं इसके ऊपर गोल्ड कलर यूज़ करने के बाद देख रही हूँ बहुत फीका फीका लग रहा है, तो मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। पार्ल मेटालिक गोल्ड ऑलमोस्ट सारे कलर के ऊपर अच्छे लगते हैं, ज़्यादा लगता है डार्क कलर के ऊपर ऑब्वियसली। तो ऐसे देखिए फ्लावर बन गई है। आप क्रेप का फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, रेयन के ऊपर बना सकते हैं, कॉटन के ऊपर बना सकते हैं इस टाइप के डिज़ाइन को। अब देखिए यहाँ ब्रांचेस की पेंटिंग करना है। यहाँ मैंने फिर से अगेन मैंने राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ ज़ीरो नंबर की, जो कि सबसे ज़्यादा काम आती है। मुझे तो इस ब्रश तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और कलर हमेशा रिसेंट डेट की ही कलर लीजिए क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से सारे शॉप उनके पास क्या है वो पुराने कलर है, बहुत ज़्यादा पुरानी, और वो कलर बहुत थीक हो गई है। तो कलर एक बार लेने से पहले एक बार ओपन करके ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा थीक होगा तो वो मत लीजिए। फिर आपको मीडियम लेना पड़ेगा, फिर आपको मिक्स करना पड़ेगा।
और ये पार्ल मेटालिक कलर बहुत जल्दी ये ठीक हो जाती है, एक्रेलिक या फैब्रिक कलर से बहुत जल्दी ये ठीक होती है। ये एक एक बोतल 25 रुपीज़ है इसकी। अब चाहे तो बड़े साइज के भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले ब्रांचेस को अच्छे से पेंट कर लीजिए, आप आउटलाइन भी कर सकते हैं, बट इसके ऊपर आउटलाइन करने में भी थोड़ी सी मुश्किल होगी ये शिफॉन के ऊपर। और आफ्टर पेंटिंग ये कुछ भी नहीं होता है, फिर भी आपको और भी जानकारी चाहिए तो एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, कौन सी ब्रश यूज़ करना है, कौन सी कपड़े के ऊपर किस टाइप की कलर यूज़ करना चाहिए, सब आपको मिल जाएगी उस वीडियो पे। आप उसको एक बार ज़रूर देखिए कैसे आपको ड्रेस को मेंटेन करना है, इसको कैसे वॉश करें, सब मिल जाएगी। আর যদি বাঙালি হও, আমিও বাঙালি, তোমরা বাংলাতে আমাকে কমেন্ট করতে পারো, কি কি জানতে চাও আমাকে বলতে পারো, কোনো ব্যাপার না, আমি তোমাদেরকে বাংলাতেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব। আর মেরি এক ব্লগ কি চ্যানেল হ্যায় আপ চাহে তো উসকো একবার জরুর দেখিয়ে, মে আপকো রিকোয়েস্ট করুঙ্গি, অ্যাকচুয়ালি ও বেঙ্গলি মে হ্যাঁ, ফির ভি উসকো একবার জরুর দেখিয়ে। আব ইহা দেখিয়ে, আব ব্রাঞ্চেস কে বাদ মে ইহা লিপস বনা রহি হুঁ। ये मैं पार्ल मेटालिक सिल्वर कलर यूज़ कर रही हूँ, ये फेब्रिक्रिल की नहीं है, ये मैं कैमल का यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। और फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है और एक बार में कलर पूरे अंदर का फिल हो जाती है, नहीं तो ब्राउन ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, पहले आउटलाइन कर लीजिए उसके बाद कलर पूरा फिल कर सकते हैं। और भी दुपट्टा के ऊपर आपको डिज़ाइन देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे अलग अलग लिंक है दुपट्टा के ऊपर, सूट पेंटिंग के ऊपर, ब्लॉक पेंटिंग के ऊपर, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आप आलू से भी वाली पेंटिंग बना सकते हैं दुपट्टा के ऊपर, उसकी भी वीडियो है। लास्ट जो दुपट्टा थी ग्रीन कलर के ऊपर वाली पेंटिंग, आप सबने बहुत पसंद किया था उस वीडियो को, मैं बहुत जल्दी और डिज़ाइन बहुत जल्दी साड़ी डिज़ाइन दिखाऊंगी क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी मैं एक साड़ी डिज़ाइन दिखाऊं, और मेरे पास ऑनेस्टली मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, सारे शॉप बंद था, इसलिए मैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं इससे पहले दिखा देती साड़ी पेंटिंग। और आपको किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं आप भी कॉमेंट करके बोल सकते हैं। और इस टाइप की वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और इस डिज़ाइन को आप ज़रूर अपने दुपट्टा के ऊपर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। अब ये छोटी छोटी डॉट्स मैं सिल्वर कलर से कर रही हूँ, अगर आपके पास ब्लैक है तो इसके ऊपर ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत होगा। मेरे पास ब्लैक नहीं है और है तो बहुत कम, एकदम बोतल के नीचे है, तो ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए इसके अंदर, बहुत आसान है, बट पहले पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये शिफॉन बहुत पतला है इसलिए, बट इसको ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, टेक केयर, ये है आफ्टर कंप्लीट, टेक केयर, सी यू सून, बाय।